विलेज क्रिकेट। अलसी नगर नाम के गांव में एक निकम्मों का गैंग था। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। जब देखो नाई की दुकान पर क्रिकेट देखते रहते थे। अरे निकम्मो, यूं तुम बैठकर क्रिकेट देखते रहे तो यहाँ पे ग्राहक कैसे आएंगे, मेरा काम कैसे होगा, जाओ यहाँ से। डांटो भैया डांटो, कोहली और धोनी को भी ऐसे ही डांटते थे सुना है, इसीलिए वो बड़े प्लेयर हुए। अरे चलो यार जाकर खेलते हैं। बाद में वो जब क्रिकेट खेल रहे थे तो एक कमेंट्री देने लगा। ओ भाई आओ देखो ये बहुत बढ़िया मैच, आलसी नगर के स्टूपिड फेलोस वर्सेस वेस्ट फेलोस का मैच, पिच बहुत बढ़िया है, माना जाता है कि ये बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अब टॉस जीतने वाले बैटिंग या बॉलिंग चुनकर अब वो कॉइन अपने जेब में डाल सकते हैं। बाद में उन्होंने टॉस किया, जीतने वाले ने वो कॉइन अपने जेब में डाल लिया। उसके बाद कमेंटेटर, अब आलसी नगर का सबसे खतरनाक बॉलर तेज सीनू गेंद डालने वाला है। बैटिंग के लिए वेस्ट फेलोस का ओपनर रंगा मैदान में उतरा है। तब सीनू ने बॉलिंग किया, उसका बॉल जाकर पास खड़े एक औरत के घड़े में जाकर लगा। अरे निकम्मो, गांव के बीच में खेलते हो, कहीं दूर जाके खेल सकते हो ना बेवकूफो, कमजर्फ, कहके डांटने लगी। ओ गॉड, लेडीज फैंस का बहुत शोर हो रहा है, वो बहुत एक्साइट होकर मैच देख रही है, कहकर बोला। तब सीनू ने अगला गेंद डाला, वो जाकर सीधा विकेट पर लगी। ओ गॉड, अपने अद्भुत बॉलिंग से एक विकेट ले लिया है। अब अगले बैटिंग के लिए आ रहे हैं हरी। तब एक बॉलर कैट बॉल डालने लगा। अब तक दुनिया में किसी ने भी नहीं किया कैट बॉल बॉलिंग, देखिए इसका खोज किया आलसी नगर के बॉलरों ने। वो कैट बॉल बॉलिंग डालने लगा तो बैट्समैन ने छक्का मारा, उसके बाद वो आउट हो गया। उसके आउट होते ही जो दूसरा बैट्समैन आया उसका बल्ला विकेट से भी ज्यादा चौड़ा था। ये इस बल्ले से खेलेगा तो इसे कोई आउट नहीं कर पाएगा। अब बॉलर क्या करने वाला है चलिए देखते हैं। तब बॉलर ने एक बड़ा सा पत्थर जैसे साइज का बॉल को फेंका, तब उस बॉल के रफ्तार के कारण बैट्समैन जाकर स्टंप पर गिरा। इस तरह थोड़ी देर में उस टीम ने 50 रन पूरे किए। उसके बाद एक बॉलर ने पीछे से बॉल डाला तो विकेट गिर गया। इतने में जमींदार वहां आया। ए क्या हुआ, विकेट गिरा क्या, रिप्ले करो, मुझे देखना है नहीं तो लात मारूंगा, जानते हो ना तुम मेरे बारे में। सर रिप्ले तो सिर्फ टीवी में होता है, ये लाइव मैच है सर, जरा समझने की कोशिश करिए। हाँ भाई आओ आओ, उनकी बैटिंग हो चुकी है, अब अगला बैटिंग करने वाले आ जाओ। उसके बाद स्टूपिड फेलोस की टीम मैदान में उतरी। अब इनका टारगेट है 51 रन्स। अब बॉलिंग डालने के लिए सुस्त सोमेश आने वाला है। सोमेश एक कुर्सी में बैठकर बॉलिंग करने लगा। बैट्समैन ने जोर से बल्ला घुमाया तो बॉल जाकर पेड़ पर कौवे के घोंसले में गिरा। कौवा गुस्से में काव 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 करके चिल्लाने लगी। बैट्समैन रन लेने लगे। प्लेयर्स जाकर पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। अरे उसे निकालना हो तो एक सीढ़ी की जरूरत होगी, ठहरो मैं लेके आता हूं, कहकर बाइक में गया। बैट्समैन रन्स ले रहे थे, ये रन्स ले ही जा रहे हैं, ये कब रुकेंगे पता नहीं। अरे कम से कम इसका तो रिप्ले दिखाओ, मैंने ठीक से देखा नहीं। बाद में वो सीडी लेकर आया, सीडी को पेड़ के साथ लगाया, फिर सीडी पर चढ़कर घोंसले में बॉल को देखकर, अरे ये बॉल तो घोंसले में गिरा हुआ है, कौवा गुस्से से देख रहा है, लगता है चोंच मारेगा, क्या करूं अब, ए ए ए करके कौवे को भगाया। तब बैट्समैन दौड़ते दौड़ते, अरे इडियट्स जल्दी बॉल लेकर आओ यार, मैं भागते भागते थक गया हूँ, कहने लगा थक कर। इतने में बॉल को पेड़ से निकालकर कीपर की ओर फेंका। बैट्समैन रुककर, शुक्र है बॉल फेंका, अंपायर हमने कितने रन लिए, क्या हम जीत गए, भागे तुम लोग, हिसाब नहीं लगा सकते थे, तुम तो जानते ही हो मैं खड़े खड़े सो जाता हूँ, मैंने गिना नहीं गधे।
अरे ये कंफ्यूजन किस लिए, वैसे भी रिप्ले तो है नहीं, तो शुरू से शुरू करो, मैं देख कर जाता हूँ। बस सब बेहोश होकर गिर पड़े।